हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का अपने चैनल में। तो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, मैं आ गई हूँ किचन में। आज सुबह शाम से स्टार्ट कर रही हूँ अपना वीडियो। अभी बना रही हूँ मैं रोटी। तो सब्जी बन चुकी थी सुबह, बस वही रखी है। सुबह 2 सब्जियाँ बनी थी, एक बनी थी कड़ी और दूसरा बना था मेथी, पालक और लहसुन हरा वाला। तो जो हमने कल गाजर ली थी वो उनका बन रहा है हलवा। तो सबसे पहले उनको धोने के लिए रख रहे हैं क्योंकि गाजरों में रहती है मिट्टी। तो गर्म पानी ले लिया है बाल्टी में और ये मेरी सासू माँ और नाना धो रही हैं धीरे धीरे। छोटी छोटी थी ये गाजर, सस्ती आ गई थी। तो क्या करेंगे हम, पहले इनको अच्छे से धो लेंगे, फिर सब लोग इनको घिसेंगे। हमारे घर बन रही है गाजर का हलवा और खत्म कर दे रही। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, का वीडियो को लाइक करो जी। देखा जी, हम गाजर खा रहे हैं जी, मीठी बहुत है। और चैनल वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो पहले तो मैं सही कही थी, गाव ने तो उन्हें सही पे कह पाई आए ना रे। तो नहीं, पहले तो जो कह रही वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कह रही थी। अब कितनी जीव अटक गई क्या, वो नहीं आ रहा मेरे काम से। देखो कहो गाय से बहुत मीठी है, बोले को दिखे ना। मैं कहो कहो बता दे, क्या नहीं आ रहा है खेत में सा। हां तवाई ज्यादा मीठी लग रही है, मीठी मीठी गाय। हमारे घर का खेत है जहाँ में लगते हैं जी गाजर है। भाई भाई हम लाए, मैं पापा 30 रुपया में गले बटोल ले आए। 30 रुपया बोरी भरी खेत में लगी है, तो 30 रुपया बटोल के ले आने। देख रहे पूरी पूरी क्या भले आए खूब खा तो कैसी अच्छी लगाते हैं। मुझे देखो कब्बो के कान छिद गए और कब्बो बहुत रोई। एक बार फूल निकल गया फिर दोबारा पवाओ फिर रोई कब्बो। कब्बो मत क्या, कब्बो क्या, सामने वाली दीदी देखती है फिर वो भी कब्बो कब्बो ला कब्बो तो लाड़ में कहता है तो कब्बो कहेंगी। ये देखो थोड़ी गायर लगा रही तुम तो गायर का हलवा बनेगा। क्या कहते हैं भाई, सब्सक्राइब ये तो बहुत ही मीठी लग रही है। ये देखो हम खा रहे हैं गाजर। सब्सक्राइब सब्सक्राइब गाजर का बच्चा आ जाए, गाजर से बन ज्यादा आयरन मिलता है। लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, बस बस ये गाजर मीठी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और शेयर करो ये खाना। तो फ्रेंड मैं सब लोगों के लिए खाना परोस रही हूँ। ये देखो कड़ी और जो सब्जी थी वो सब लोगों को परोस देती हूँ। और हम लोग सब ऐसे ही साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और जो गांव की मतलब गांव के लोग इसी तरीके से खाते हैं, ज़मीन पे बैठकर। यहाँ पर डाइनिंग टेबल वाइनिंग टेबल नहीं होती है, हम लोग ऐसे। तो अभी सब लोग हैं घर पे क्योंकि हमें कुछ हम पूजा देने के लिए गए थे। तो सब लोग हैं, बुआ, सास, ननद, देवर, देवरानी, सब लोग हैं घर पे अभी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब लोग आराम से बैठते हैं साथ में, घूमने के लिए जाते हैं और घूमने के लिए भी गए थे बहुत जगह। वो सारी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो सब लोगों को मैं खाना दे रही हूँ और फिर हम लोग भी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। और हमारे घर एक डॉगी रहती है तो उसके लिए रोटी लेके जा रही हूँ। वो हमारे घर के बाहर ही बैठी रहती है, तो चलिए उसको रोटी देते हैं। ये देख लीजिए, वेट कर रही है। इसके 4 बच्चे थे लेकिन 3 बच्चे तो मर गए, पता नहीं कैसे। एक ही बच्चा है तो वो भी यहीं कहीं घूम रहा होगा। उस दिन उस वीडियो में दिखाया था वो कपड़े पहन के घूम रहा था, वो इसका ही बेबी है। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है कि सब लोग खाना खा पी के बस यहाँ पे तापने के लिए बैठे। ये हीटर लेके आए तुम यहीं पे गांव में। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से और फिर देख लीजिए बनी है चाय, क्योंकि सर्दियों का समय है। चाय कितनी बार बन जाए उसका कुछ ठिकाना नहीं है। सब लोगों को चाय चाहिए होती है, तो 2 कप चाय बनाई थी। ये देख लीजिए
पापा जी को हो गया था जुकाम, तो उनको दे देते हैं पहले ज़्यादा सा अदरक डाल के, जिससे कि जुकाम जल्दी से अच्छा हो जाता है। जितना ज़्यादा गर्म चीज़ खाते हैं, यानी कि अदरक वाली चाय, लौंग वाली चाय पीते ना, तो ज़्यादा जल्दी जुकाम खांसी सही हो जाता है। तो चाय बना के उनको दे के आते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो खाना खा पी के सब लोग गाजर को घिसने के लिए बैठ गए, क्योंकि ये छोटी छोटी गाजर थी तो उनमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। तो मम्मी बैठी हुई है, जब पहले मम्मी घिस रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा घिसी थी एक टहनियाँ भर के, फिर मैंने घिसी थी कुछ कुछ, फिर उसके बाद हमारी ननद भी आ गई थी, हमारी दीदी आ गई थी घिसवाने के लिए। तो ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गाजरें थी, लेकिन सस्ती बहुत आ गई थी, 5 से 6 किलो होंगी या उनसे ज़्यादा ही होंगी, तो 20 या 30 रुपये में आ गई थी। तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि एक तो घर का दूध था भैंस का, और दूसरा घर पे बनी हुई चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देख लीजिए कितनी सारी, देखो दिखाओ कहते हैं कितनी सारी गाजर है। कुछ हमने घिसी, फिर हमारी ननद भी आ गई थी, ये देख लो, फिर हम दोनों ने मतलब जो घिसनी होती है एक और ले ली थी, फिर हम दोनों ने घिस ली थी, फटाफट से घिस गई थी, और कुछ फिर भी बचा ली थी जिससे कि हमने सब्जी बनाई थी। इतनी ज़्यादा गाजर का हलवा खाता कौन, जितने सब लोग थे सब ने खाया फिर भी बचा। तो सच बता रहे हैं गरम गरम तो इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो चलिए घिसते हैं और फिर बनाएंगे। चूल्हे पर जो बनता है ना खाना, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो सब लोग, हमारी बुआ भी बैठी हैं, सब लोग बातें करते चल रहे हैं ना, तो समय का और काम करने का जो मतलब पता नहीं चलता काम कब हो जाता है। तो बातें करते चल रहे थे, टीवी देखते चल रहे थे, भोजपुरी पिक्चर चल रही थी, वो सब देख रहे थे, और साथ में गाजरें भी घिसते चल रहे थे। तो फ्रेंड, दूसरे दिन चूल्हे पे बन रहा था हलवा, क्योंकि रात को ही हमने गाजर को घिस के रख दिया था, बस सुबह धो के और चूल्हे पे चढ़ा दिया है गाजर का हलवा बनाने के लिए। बुआ इसको चला रही थी क्योंकि इसमें दूध डाल दिया है, अगर हम इसको चलाएंगे नहीं ना तो ये तुरंत चिपक जाएगा और इसको बहुत ज़्यादा ख़राब चली हुई स्मेल आएगी। तो चलिए, हलवे का जिम्मेदारी तो बुआ ने ले ली है, तो बुआ ने बहुत अच्छा हलवा बनाया था। उसके बाद ये हमारा घर का जो डॉगी है उसका बेबी है, वो घर में आ गया था, क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो घर के अंदर वो आ जाता है, तो हम लोग उसे दूध, कहीं रोटी, कहीं कुछ खाने के लिए दे देते हैं। कपड़े भी पहना दिए थे, लेकिन ये पता नहीं किस जगह पे कांटे में उलझ गया था, तो कपड़े वहीं पे फंस गए और ये निकल आया। तो ये देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। और अभी मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है इसलिए मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो ये है मेरी दीदी और ये है दीदी के लड़का, यानी कि मेरे भांजे, इनका नाम काना है। तो काना बैठे हुए हैं और ये डॉगी है, घर में ऐसे ही घूमता रहता है, लेकिन इसकी मम्मी बहुत ईमानदार है। घर में अंदर थाली परोसी हुई रखी होती है ना, फिर भी वो अपने आप आके नहीं खाती है जब तक हम उसे देते नहीं हैं तब तक। ये देखो लड़ रहा है अंदर जाने के लिए, मैं इसे रोक रही हूँ फिर भी ये मान नहीं रहा है। तो चलिए अभी इसको निकालते हैं बाहर, क्योंकि अगर काट बाट लेना तो अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन हम इसको बाद में देंगे, अभी नहीं। तो ये देख लीजिए, दीदी खाना को कपड़े पहना रही थी, मोजा वोजा सब पहना कर, और फिर उनको बाहर छोड़ दिया खेलने के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना।